हेलो फ्रेंड्स, घास वास काट के ले जा रहे हैं अपने गायों के लिए। अभी खेतों का टाइम है तो फिलहाल हर जगह लोग खेत में फसल वसल उगा रहे हैं, इसलिए जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत ग्रास बचा हुआ है वहाँ से थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा ग्रासेस गायों के लिए। इसलिए यहाँ पर सामने हम लोग का बेकरिया के थोड़ा आगे कुछ वेजिटेशन है, बनाना के पेड़ थे, देख सकते बनाना ट्रीज, सामने कुछ बैम्बू ट्रीज है, नारियल का भी कुछ पेड़ है सामने, और उस तरफ सामने इस तरफ बैंगन का पेड़ है, ब्रिंजल का। हाल मौसम है बारिश का, पर ब्रिंजल का भी थोड़ा बहुत अभी तक है मौसम। देख सकते हैं ब्रिंजल का प्लांट, छोटा बहुत छोटा छोटा ब्रिंजल से, देख सकते हैं ब्रिंजल छोटा है। सारे ब्रिंजल से, ब्रिंजल के प्लांट से, वहाँ आगे किसी और का खेत है, काफ़ी दूर है, वहाँ पर लेडी फिंगर्स का प्लांट से। फिलहाल अभी बारिश का मौसम है और इसीलिए टेरेस कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए लोग वहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं। फिलहाल झूम कल्टीवेशन जो शिफ्टिंग वाला है, सूखा वाला, फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत है। कुछ ब्रिंजल्स, कुछ लेडी फिंगर्स है, कुछ बीन्स है अभी। फिलहाल केले का पेड़ में अभी कुछ है नहीं, खाली है। ये नारियल का पेड़ है दोस्तों, काफी ऊपर तक गया हुआ है। सामने एक वेल है, ये लेमन का पेड़ है, देख सकते हैं लेमन। यहाँ पर पूरा ग्रुप एक बंच है लेमन का, आप देख सकते हैं। वेल है फिलहाल, इसको सामने खेत के बीच में एक वेल बना हुआ है जिसको थोड़ी सी रेनोवेशन कर रहे हैं, पेंटिंग करके उसको तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पुली उली कुछ अटैच नहीं किया है वॉल पर। सामने ही एक नींबू का पेड़ है, फिलहाल मैं आपको देखा चुका हूँ, बहुत कच्चे हैं अभी तक, ये रो है, कुछ कुछ जो है राइप है, मैच्योर्ड हो जा रहे हैं। फिलहाल एक गिर चुका है नीचे, ये राइप वाला है, मैच्योर हो गया, राइप हो गया है, खाने लायक है। अरे खेत में कुछ फैसिलिटीज़ ऑनर्स भी कराते हैं। यहाँ पर सामने एक बोरिंग हाउस बना हुआ है, ये गोवा का ट्री है, इसमें शायद आपको गोवा नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। और कुछ नींबू के पेड़ है दोस्तों, ये बोर हाउस है जहाँ पर से बोर का पानी निकलता है, उसका जो कनेक्शन है बोर का यहाँ से है दोस्तों, फिर यहाँ से कनेक्शन डाल के खेतों की तरफ
पानी ले जाते हैं। फिलहाल एक छोटा सा पिच भी बना हुआ है, पानी अगर थोड़ा बहुत भरेगा तो इसमें से भी कुछ यूसेज कर सकते हैं, नहा सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं और दूसरा साफ सफाई का काम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं अपना काम छोड़ के इधर घूम रहा हूँ, मुझे कुछ ग्रास कटिंग करनी थी, सिकल लेके फिलहाल मैं घूम रहा हूँ। मेरा फादर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सी यू। यार लाल पापा ने रेडी कर दिया है इसके लिए, इसीलिए हमें लेके जाना है अभी चारों को। सी फ्रेंड्स।